हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ वो है इजी एंड टेस्टी चिकन फ्राई बहुत ही आसान रेसिपी है और उतनी ही टेस्टी है खाने में इसे एक बार जरूर घर में ट्राई करके देखें आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस चलिए हम पहले देख लेते हैं चिकन मैरिनेट करने का प्रोसेस यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है इसे मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट आधा चम्मच नमक आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और दो स्पून कर्ड। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे रेस्ट करने के लिए पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देंगे चलिए अब हम चिकन पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं अब चलिए देखते हैं हम मसाला बनाने का प्रोसेस तो यहाँ पे मैंने तीन चम्मच कोरिएंडर ले लिया है धनिया कुछ लाल मिर्च मैंने ले लिए हैं दो चम्मच जीरा एक चम्मच काली मिर्च अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे हमें इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसे अच्छा सा सौंधा सा खुशबू ना आने लगे इस तरह से मसाले फ्राई करके बनाने से चिकन का फ्लेवर जो है और भी अच्छा आता है देखिए हमारे मसाले यहाँ रोस्ट हो चुके हैं इसे खुशबू भी, भी बहुत अच्छी सी आने लगी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर देंगे हमें इसे ज्यादा महीन ग्राइंड नहीं करना हम इसे थोड़ा थिक ही रखेंगे आप चाहे तो मसाले कम ज्यादा भी दे सकते हैं अपने हिसाब से कि हमारे मसाले यहाँ पे ग्राइंड हो चुके हैं मैंने इसे ज्यादा महीन ग्राइंड नहीं किया है हम चलिए चिकन बनाने के प्रोसेस में चलते हैं तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई पहले ही चढ़ा के रखा हुआ है इसमें मैंने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए एक चम्मच मैं इसमें जीरा डाल दूंगी तीन तेज पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं अब हम इसमें डाल देते हैं दो कटे हुए हरे मिर्च और दो कटे हुए ओनियन इसे हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन कलर में ना चेंज हो जाए अब हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये सारे प्याज यहां पे फ्राई हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देते हैं मैरिनेटेड किया हुआ चिकन जो मैंने पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था अब हम इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे कम से कम दस मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार दो कटे हुए टमाटर अब हम इसे भी कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे अब मैंने इसमें डाल दिया है ग्राइंडेड किया हुआ मसाले मसाले डालने से पहले मैंने चिकन को 10 मिनट तक कम से कम फ्राई कर लिया था उसके बाद मैंने इसमें ग्राइंडेड किए हुए मसाले डाले हैं इसमें डाल देते हैं एक चम्मच हल्दी एक चम्मच गरम मसाला अब मैंने इसमें डाला है चिकन मसाला जो कि इजीली अवेलेबल रहता है मार्केट में यह बिल्कुल भी ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं अब हम इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक मसाले तेल छोड़ना ना स्टार्ट कर दें दे। चिकन कम से कम 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेना है यहाँ पे और हमें देखते रहना है कि हमारा चिकन अच्छी तरीके से कुक हुआ है या नहीं देखिए चिकन हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में मसाले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं यहाँ पे मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने चिकन को यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मिनट तक कुक किया था मेरे चिकन अच्छी तरीके से यहाँ पे पक चुके हैं अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं एकदम लिटिल अमाउंट में वाटर डालूँगी क्योंकि ये चिकन फ्राई है तो हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और हमारा चिकन तो ऑलरेडी कुक हो चुका है अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक लो फ्लेम में फिर से कुक कर लेते हैं देखिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने में इसका स्मेल भी उतना ही अच्छा आ रहा है बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स एक बार जरूर इसे घर में ट्राई करके देखिए हमारे चिकन के पीसेस भी अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं खाने के लिए यह तैयार है चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए धनिया के पत्ते रेडी है सर्व करने के लिए देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है खाने में उतनी ही डिलीशियस और टेस्टी है ये एक बार जरूर इसे घर में ट्राई करके देखिएगा और कैसा लगा आपको आज का रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए थैंक यू